बारह एक बजे जाने वाले थे, इट्स ऑलरेडी 3 o'clock हो चुका है, अभी बहुत लेट हो चुका है। ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये लिखा है नम अचनाई। नम अचनाई मतलब ये मेरा चेन्नई है, और अभी मैं जा रहा हूँ, ये मेरे बैग पैक सब रेडी है, आपको तो दिखा देगा। ट्रेन पकड़ के मैं जा रहा हूँ बीच स्टेशन से पास ही है, नज़दीक चल के मैं जाऊँगा तो मुझे मिलेगा मेरा शिप एंट्री बराबर जो भी है, और मैंने सिर्फ ₹5 दिए ओनली 5। हेलो, मॉर्निंग स्नैक्स, हेलो, हाउ आर यू। ये यहाँ का ट्रेन है, ये चेन्नई में एक्चुअली मेट्रो ट्रेन भी है, बहुत अच्छा मेट्रो ट्रेन है, वो भी एक्चुअली चीप है, लेकिन ये इससे भी चीप है। बाय बाय, तो फिर मिलेंगे अभी ही थोड़ी देर में, जब मैं पहुँचूँगा मेरा शिप गेट। अभी मैं चेन्नई बीच स्टेशन पे उतरा हूँ, लोकल स्टेशन है, पीछे कुछ हो रहा है, कुछ इनॉग्रेशन है समथिंग, तो यहाँ से मुझे अभी चल के जाना है, थोड़ा चल के जाना है, बाहर निकलूँगा बस, हार्डली 5-6 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा हार्बर। एक्चुअली यहाँ से चल के जाऊँगा तो हार्बर में पहुँचूँगा, लेकिन ये रेलवे ट्रैक है तो आप चल नहीं सकते, तो 5-6 मिनट में मैं रहूँगा हार्बर में, उसके बाद अंदर जाऊँगा। तो वापस अभी हम यहाँ खड़े हैं सब जाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे मेरा नया सब्सक्राइबर मिला है, इनका नाम है रवि, ये भी अंडमान जा रहे हैं 3 साल के बाद, राइट या, और मैं जा रहा हूँ 15 साल के बाद, तो एक बस आएगा, बस में हम चढ़ेंगे और वो लगभग 10 मिनट शिप के हार्बर के अंदर लेके जाएंगे, फिर टिकट चेक होगा या टिकट चेक होगा, तो हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी नहीं आता है। तो ये बस में सब चढ़ने वाले हैं, अब ये चढ़ेंगे सब बुरी हाल में चढ़ने वाले। ये एक प्रॉब्लम है अगर आप शिप में जाओगे तो, देखो कैसा डाल रहा है। ओके, सेकंड बार ये पूरा सीट पकड़ रहा है, ये अंडमान स्टाइल है, हाँ मतलब जगह डाल देगा तो ये मेरा जगह हो गया। ओके, चढ़ रहे। ओके, मैं यहाँ से चढ़ने वाला हूँ। हेलो सर, टिकट है इला सर। ओके, वेट कैन यू लाइक इट, या गेट इन। हेलो, ओह इट्स सो क्राउडेड, या यू जस्ट गो। ओके, सो जस्ट सिट इन द सीट। अंडमान। सो मैं लगभग 2 घंटा बैठा था बस के लिए। हां 2 घंटा नहीं, आप तो गए 1:30 बजे आए। रात को 1:30 बजे से बैठा है लोग, क्यों 1:30 बजे क्यों आया, 1:30 बजे क्यों, 1:30 बजे क्यों आया, तो ट्रेन नहीं था ना, उसी का कारण। सो वो 1:30 बजे से बैठा है, 1:30 बजे से बैठने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली और कोई सिटी से आया लगता है, राइट, और कोई सिटी से आया और सीधा एयरपोर्ट बोल रहा है, क्यों एयरपोर्ट आ रहा है, शिप में जा रहा हूँ मैं। सो एनीहाउ, तो मुझे बोले थे 8 बजे आने के लिए और मैं 10 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, अभी तो शिप भी निकला नहीं, अभी तो सिर्फ अपना बस निकला है, इसके बाद थोड़ी दूर के बाद अंदर जाएगा, उसके बाद टिकट चेक होगा, फिर हम जाएंगे शिप में, तो अभी हम जल्दी ही मिलते हैं हम लोगों के साथ। ये ही है मेरा शिप, ये शिप में मैं जा रहा हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर में उतरूंगा, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, और ये 3 दिन लगेगा, मीन्स मैं मंडे ही पहुंचूंगा सवेरे। ओके, और ये
चेन्नई हार्बर है और ये आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा कैटरपिलर का ट्रक है, ह्यूज। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर कुछ चेक वेक करने के लिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी। So, अभी मैं शिप में चढ़ चुका हूँ, शिप के अंदर जा रहा हूँ। हेलो, लाइन में आ जाए। हे, मैं वापस आ चुका हूँ, अभी मैं शिप के अंदर हूँ। तो ये है मेरा 310, ये मेरा बंक क्लास है, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ बेड। बस लकली अभी तक यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये एली है। इस रूट से जाते हैं सर। हेलो हेलो, तो ये बंक क्लास है, बंक क्लास ऐसा होता है। आप देख सकते हो ये हार्बर में बड़ा बड़ा शिप खड़ा है यहाँ पे, और तो अभी मैं कुछ देर के बाद आई थिंक शिप छोड़ेगा, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बोट लेयर के लिए। और आप देख सकते हैं समुंदर कितने पास है, तो मैं नया नया कैमरा ज़्यादा पास नहीं लेके जाना चाहता हूँ समुंदर का। तो ऐसा दिन जाते रहेगा तो मैं आपको कुछ नया नया दिखाते रहूँगा, शिप कैसा है क्या है ये, और तो बहुत सा वीडियो बनाने वाला हूँ शिप के अंदर, शिप के बारे में और अंडरग्राउंड के बारे में। ये है कैबिन क्लास, मतलब ये चार बेड का कैबिन क्लास है। चार, मेरे फ्रेंड यहाँ रहता है तो मुझे जस्ट दिखाने के लिए आपको आया। और एक है इसका सबसे बड़ा टॉप कैबिन क्लास है, जो डीलक्स बोलते हैं लोग, जिसमें दो जन रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। और ये देख सकते हैं शिप के बाहर, मैं शिप के जस्ट बाहर हूँ, साइड बालकनी में चल रहा हूँ। तो ये अपना शिप कभी भी छोड़ने वाला है, और आप देख सकते हो इधर अपना पैसेंजर टर्मिनल है, अभी अंदर है, अभी मैं सबके अंदर जाने वाला हूँ। अभी हमारा शिप निकलने वाला है हार्बर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टग बोट है और ये एक टग बोट है, तो दोनों क्या करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, जो करना है पुश करेंगे और हमारा बोट वहाँ से निकालेंगे। ऑलरेडी हम 12:00 जाने वाले थे, ऑलरेडी 3:00 हो चुका है, अभी बहुत लेट हो चुके हैं। मेरा ऑडियो कैसा है पता नहीं, बिकॉज इट्स इन ए विंडी थिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग। आप देख सकते हैं लोगों को, अभी हम निकलने वाले हैं। ये जो है ये है लाइफ बोट, अगर जरूरत पड़ा तो ये नीचे पानी में जाएगा और हम इसमें रेस्क्यू के लिए लाइफ बोट। अभी आप देख सकते हैं कि चेन्नई हार्बर से हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल चुके हैं हमारा शिप। या तो हम निकल चुके हैं, ये चेन्नई का हार्बर है, मोस्टली ड्राई डॉक एरिया है, तो बस फ्यू ही मिनट्स में हम बाहर चले जाएंगे, दैट्स इट, उसके बाद ओपन सी। सो देखते हैं कभी हल्का होगा नहीं होगा। हाय, तो आज के लिए इतना ही एपिसोड में, ये फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा शिप निकल गया, रात हो चुका है, अब मैं जाऊंगा सोऊंगा और सवेरे उठूंगा। कल का वीडियो सेकेंड डे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शायद मुझे शिप का कैप्टन से मिल पाऊंगा मैं।
कोशिश कर रहा हूँ मिलने के लिए, और बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सब बताऊँगा। और तब तक रहिए, स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए, सबको सबको बताइए, सब्सक्राइब करिए और बी हैप्पी, है ना। और सो सब्सक्राइब करिए, सबको भी बताइए, और लाइक बटन दबाइए, और शेयर करिए, और कीप ऑन स्माइलिंग, स्माइल करिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय और टेक केयर। Rajesh, please tell your names. You and Sajid. They all are ship crews, so they are already enjoying the food. He's not even looking at me. He's like, "Hey, it's time to eat, buddy." Cool, guys. Thank you for the invitation, and I appreciate you guys. ये अंडा करी है।